मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का श्रेय दो लोगों को दिया जा रहा है, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन वो शख्स जो चर्चा में नहीं है लेकिन भूमिका बड़ी थी, जी हम बात कर रहे हैं दीपक बावरिया की, जो प्रदेश के इंचार्ज हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ खास बातचीत के लिए। बावरिया साहब बहुत बधाई हो, आंकड़ा 114 तक पहुंचा, हालांकि सरकार आप लोग बना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को और किस तरह की टक्कर मिली? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जो है कशमकश खड़ी कर दी, जनमत और जन जो है उसका लोकमत का उसका जो उसको सम्मान करना चाहिए था उसको करने की जगह उन लोगों ने हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल करते हुए, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए वो प्रभाव बनाने की कुछ ना कुछ कोशिश की, कि जिसकी वजह से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरे। मगर इतने जो हैं उन्होंने जो प्रचार किया, इतने खर्च किया, सब किया और जो है एक झूठ की आंधी खड़ी कर दी, उसके बावजूद भी जो है अल्टीमेटली सत्यमेव जयते। आज उनको कह देना पड़ा कि हम जो है हमारी सरकार का दावा पेश नहीं कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमारे नेतृत्व को आमंत्रित किया है और आज शाम को CLP की मीटिंग है जहाँ एंटोनी साहब और भंवर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष के तो और से जो है भेजे जा रहे हैं सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे, और आज के जो है वो चर्चा के बाद वहाँ स्थानीय लीडरों की जो है उनकी भी अभिप्राय को सुनने के बाद वो दे विल ब्रीफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, और मेरी समझ में कांग्रेस प्रेसिडेंट उसका वैलिडेशन भी करने जा रहे हैं कि वर्करों की एस्पिरेशंस क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है और वो करने के लिए कौन से व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा कामयाब है, वो जो है या तो सक्षम है वो रहेंगे, वो देखते हुए CM के लिए जो चेहरा नियुक्त होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। आज संपर्क के राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से भी कर रहे हैं फोन के जरिए ताकि पता चले कि शक्ति के जरिए हैं, कई बार संवाद करते हैं और हो सकता है कि शक्ति के जरिए कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाए, हो सकता है कि बाकी जो है इंडिपेंडेंट NGOs होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनसे भी किसी से पूछा जाए, बट से ही इज ऑल्सो गोइंग टू हैव हिज ओन वैलिडेशन, और वो करते हुए जो नाम उभरे हैं उभरेंगे आज CLP मीटिंग में और प्रदेश के नेतृत्व की साथ की मीटिंग में, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट भी। मैं नहीं पूछूंगा आपसे, आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन क्या आज शाम को ऐलान हो जाएगा? उम्मीद है आज रात तक हो जाएगा, उम्मीद है, या तो कल दोपहर तक हो जाएगा। कल दोपहर तक हो जाएगा। और सब शपथ ग्रहण या सरकार कब तक बन जाएगी? देखिए आज का घटनाक्रम क्या रहता है, भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मानने वाली पार्टी नहीं, आप भी जानते हैं। इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, कह दिया है, मगर फिर भी जो है बाकी लोगों को है कि नहीं है, मुझको तो जरूर से है। अच्छा। मुझको जरूर से, मैं अमित भाई को गुजरात में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो हर प्रकार के जो है वो हथकंडे का इस्तेमाल करने के लिए काबिल है। नाम नहीं पूछूंगा, आखिरी सवाल, क्या मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का फार्मूला पर विचार हो रहा है? मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना है। एक एक ऑप्शन है सर? आई वोंट बी एबल टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। लास्ट, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं, फैक्टर क्या रहा इस चुनाव में जिसकी वजह से कांग्रेस को जीत मिली? किसान का मुद्दा रहा या SC ST का मुद्दा रहा, कौन सा मुद्दा रहा? ऑन ईच इश्यू विच इज टचिंग द कॉमन मैन की डे टू डे लाइफ, वो किसान हो, लेबर हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, महिला हो, वो सभी मुद्दों में जो प्रकार से प्रोमिस किया गया था मोदी जी की ओर से, यानी कि उसके BJP के सेंट्रल नेतृत्व की ओर से, और वहाँ शिवराज सरकार लगातार जो उसके लिए लोगों को एक प्रोमिस कर रहे थे और उसके खिलाफ देवर गोइंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उन लोगों ने लोगों का पूरा विश्वास खो बैठे थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, लोगों का विश्वास खो बैठना, दैट इज वन ऑफ द रीजन। बावजूद वोट शेयर उनका आपके बराबर है, तो इसको कैसे वोट शेयर जो हम बता रहे हैं, एक तो मैं कह रहा हूं कि 40 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट अंदर थे, पूरे दिन यह घटनाक्रम चलता रहा, 83% तक उन्होंने वोटिंग करवाया, वो कई चीजों का जो है, जब भी ये चीज देश में बाहर आएगी तभी पूरे जो है लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धरतीकंप होने वाला है, मगर हमारे जैसे लोग जो गुजरात में भी नजदीक से देखते हैं, देखा है, और यहाँ भी जो देख रहे हैं कि इस प्रकार के सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए दे कैन मैनुपलेट देयर वोट शेयर। जैसे मैं पहले भी आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि वहाँ मणिपुर में और त्रिपुरा में 39% से 42% का उन्होंने स्विंग बताया, दुनिया के इतिहास में कोई जगह पे 4 साल में इसी प्रकार का स्विंग नहीं होता है। इस चुनाव में भी खेल हुआ है मध्य प्रदेश, जरूर से कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा मेरा जरूर से मानना है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है
तो ये मेरी आशंका है, मैं कह रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे तो जरूर से आपके सामने भी लाएंगे। शुक्रिया दीपक बावरिया जी। तो इंचार्ज दीपक बावरिया निकल रहे हैं भोपाल के लिए, जहां पर है विधायकों की बैठक। और बावरिया बड़ी खबर दे रहे हैं कि विधायक दल के बाद विधायक दल में जो बात निकलकर सामने आएगी उसे राहुल गांधी को अवगत कराया जाएगा। राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संपर्क में है शक्ति ऐप के जरिए, और मुख्यमंत्री का जो ऐलान है वो संभव है कि वो ऐलान कल हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।